अस्सलाम वालेकुम कंट्री न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं लीव अब्बासी। मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत होने के साथ साथ परदेसियों का शहर है। यहां पर पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर के दिगर अजला से भी जो लोग हैं वो यहां पर रिहाइश पसंद हैं, और जैसे ही कोई त्यौहार हो या फिर कोई छुट्टियों का मौका हो तो ये कैसे मुमकिन है कि शहरी जो है वो यहीं पर उस त्यौहार को उन छुट्टियों को मनाए, बल्कि कोई भी त्यौहार हो तो यहाँ के रिहायशी जो है वो अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं। जैसा कि ईद का त्यौहार है और ईद की खुशियाँ अपनों में मनाने के लिए जो रिहायशी हैं वो अपने आबाई इलाकों का जो है वो रुख कर रहे हैं। लारी अड्डे में मौजूद हूँ जहाँ से इस वक्त जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनों में ईद मनाने के लिए इन खुशियों भरे लम्हात को मनाने के लिए अपने अपने इलाकों का जो है वो रुख भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जो मुसाफिर हैं वो ज़्यादा किराए का जो है वो भी शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं, और मुख्तलिफ जो रूस की जो मुख्तलिफ इलाकों की गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर न मिलने की वजह से जो शहरी हैं वो अपनी ख्वारी का इजहार भी जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद मुसाफिरों से जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। कंडक्टर या क्लीनर वगैरह जो होते हैं ये ज़्यादा किराया चार्ज करते हैं, गरीब आवाम के लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। जो लोग मजदूरी करके आते हैं थोड़ी बहुत तनख्वाह लेके आते हैं घर के लिए, उसे किराया डबल लिया जाता है। इस चीज़ को भी जो है ना पुलिस को देखना चाहिए कि इस चीज़ का करना चाहिए कि किराया वगैरह लोग ज़्यादा तो नहीं ले रहे।